अनुराग भदौरिया इस विद अस ऑन द फोन लाइन। भदौरिया साहब, अब कितने बताए जा रहे हैं नेता जो बीजेपी के अभी आज फॉर्मल सेरेमनी बताया जा रहा होने वाली है, शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, कितने नेता होंगे जो ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी आज? आप से एक बात मानिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं लड़ना चाहता, ये तय है आज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार जो होगी वो जनता की सरकार होगी, वो तानाशाही सरकार नहीं होगी, जनता अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जनता जब सरकार बनाती है तो जनता के भले के लिए काम होता है, पार्टी के भले के लिए नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना भला किया, जनता का भला नहीं किया, जनता को तो दर्द दिया उसने 5 सालों में, और जितना हो सकता है दर्द दिया, दर्द से दर्द देती चली गई। इतनी निर्दयी और निष्ठुर और कठोर सरकार थी कि आप सोचिए, ऑक्सीजन की कमी को बताने वाले को भी कह रही थी कोई कमी की बात करेगा तो उस पर एनएसी लगा देंगी, उसको जेल भेज देंगी। सोचिए आप, अगर किसी के घर में किसी की मौत हो रही है, परेशान है, वो शिकायत करेगा तो उसके ऊपर एनएसी लगा दिया जाएगा कोविड काल में। ये माहौल बनाया था, इससे बड़ा दर्द हो सकता है क्या? किसानों को रोन दिया गया, उसके बारे में भी कभी कोई चर्चा नहीं हुई। रोंदने वालों की, परिवार वालों की मदद करने की कोशिश नहीं की सरकार ने, कोई मदद नहीं की। समाजवादी तो आएंगे तो उनको 25 लाख रुपए से हर किसान परिवार को मदद करेंगे, इन्होंने नहीं की। आखिर क्यों नहीं की मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे, क्या अपने लोग नहीं थे जिनका आपने जरा सा भी दर्द नहीं समझा? इसलिए कहता हूँ, इस बार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से धीरे धीरे 10 मार्च को आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर समेट गया है, क्योंकि जनता समेटने जा रही है जी। लेकिन भदौरिया साहब, इसी के साथ क्या टिकट भी प्रॉमिस करी जा रही है जो बीजेपी लीडर्स छोड़कर आ रहे हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनको टिकट भी पक्की होगी कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन? देखिए वो आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं लड़ना चाहता। भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें तय है भारतीय जनता पार्टी मतलब हार, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ेगा वो हारेगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये जनता का फैसला है। आप इतनी देख रहे हैं कि लोग परेशान, इतने जी जी जी। भदौरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।